पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यक कांग्रेस ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अल्पसंख्यक कांग्रेस ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि वो असंवैधानिक तरीके से उत्तर प्रदेश में मदरसों को बंद करने की साजिश रच रही है और इसी के तहत आए दिन चेकिंग के नाम पर मदरसों के संचालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, बिना किसी कारण के इन पर जुर्माना ठोका जा रहा है। इसी के तहत अल्पसंख्यक कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय चेयरमैन शाहनवाज आलम साहब के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ये ज्ञापन दिए गए हैं और ये जो ज्ञापन दिए गए हैं इसमें मेन संदर्भ यह है कि सरकार द्वारा मदरसों को नोटिस दिए गए हैं कि अगर उनको बंद नहीं किया गया तो उनको 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा और उनको फिर बंद कराया जाएगा। उसके खिलाफ हम लोग ये सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि 1995 में ये कानून पास हो चुका है कि शिक्षा अधिनियम और मदरसों का अधिनियम अलग अलग हैं। जब कानून अलग है, सब कुछ अलग है, तो क्यों इस तरीके से निशाना बनाकर सरकार मदरसों के खिलाफ साजिश कर रही है? और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इसके लिए सड़कों पर है। अगर आगे इस तरीके की कोई कार्रवाई सरकार करेगी तो हम आगे भी इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।